इसे फ्रूट कस्टर्ड नहीं समझना, ये फ्रूट कस्टर्ड नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नई डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो राइस विद फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल करके चेट्टीनाड पजा पायसम बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 1.5 टेबल स्पून चावल डालेंगे। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने कोलम चावल लिया है। चावल को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। फिर इसमें 4 हरी इलायची डालेंगे और पानी डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। चावल और हरी इलायची में 3 टेबलस्पून जितना पानी डाल दिया था और इसे मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे, पानी के साथ ही डाल देंगे। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। चावल को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। 15 काजू और 15 बादाम को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। काजू अच्छे से भीग गए हैं और बादाम भी अच्छे से भीग गई है। बादाम का हम छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से छिलका निकालेंगे। काजू बादाम में से भिगोया हुआ पानी मैंने निकाल दिया और एक बार इसे साफ पानी से धो लिया है। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। इसमें जरूरत के हिसाब से दूध डाल के फाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी मैं 1/4 कप दूध इसमें डाल रही हूँ। इसे ग्राइंड कर लेंगे। काजू बादाम की एकदम स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर दी है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें 1/4 कप दूध डाल के ले लेंगे। काजू बादाम की पेस्ट मैंने बाउल में निकाली है, इसमें ही ये दूध अंदर डाल देंगे। इसे मिक्स करके रखेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दी है। इसे हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लेंगे तो दूध इस पे चिपकेगा नहीं। 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, फुल क्रीम का या बिना क्रीम वाला दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में 1 उबाल आ जाए तब तक इसे तेज आंच पे गरम करेंगे। दूध में 1 उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए दूध को उबालेंगे। चावल और हरी इलायची की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा तब तक इसे उबालेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबाल लिया है। 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। आपको चीनी डालनी है तो 1/2 कप आप चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। लगातार चला के मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे उबालेंगे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब तक हमें इसे उबालना है। इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबाल लिया है और दूध मीडियम गाढ़ा हो गया है। काजू बादाम की पेस्ट हमने बनाई थी, ये डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। दूध में 1 उबाल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में लग सकता है। इसमें 1 बॉईल आ गया है, गैस ऑफ कर देंगे। काजू बादाम की पेस्ट डालने के बाद इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, इस तरह का मीडियम गाढ़ा रखना है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ाई को मैंने गैस पे से नीचे उतार लिया है। इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे ताकि ऊपर मलाई की परत जमेगी नहीं। ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये हल्का गर्म है तो ये एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब तक इसे ठंडा होने देंगे। मिक्स फ्रूट में मैंने लिया है 1 बड़ी साइज का चीकू, जिसका छिलका निकाल के बारीक चॉप किया है। 1/4 कप काले अंगूर, 1 अंगूर का 2 पीस किया है। 1/4 कप हरे अंगूर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ पपीता। अभी आम का सीजन नहीं है इसके लिए मैंने ये पपीता लिया है। अगर आपको आम मिल जाए तो इसके बदले में आप पका हुआ आम बारीक काट के डाल सकते हैं। और 1/4 कप बारीक कटा हुआ सेब लिया है। साथ में 1/4 कप अनार के दाने लिए हैं। ये एकदम ठंडा हो गया है तो इसमें हम ये सारे फ्रूट्स डाल देंगे। एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद ही हमें फ्रूट्स इसमें डालना है। अनार के दाने भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। एकदम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत ही टेस्टी चेट्टीनाड पजा पायसम बन के रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।